बोलना चाहिए था कि ये फॉरएवर रहना चाहिए। एक 15-20 बच्चा मरी रहती है, वो छोटा था, उसको ठीक होता है, सब ठीक होता है। देखो, जैसे गवर्नमेंट का आर्डर है वैसे ही हमने भी इसको कंप्लायंस करते हुए हमने भी इसको बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू कर रखी है। और इसमें ये हमें फ़ायदा है कि अब एम्प्लॉय टाइम पे आते हैं और अटेंडेंस जो है उसको जो परसेंटेज है वो काफ़ी बड़ी है। तो एक हमें एक ऑनलाइन सिस्टम है जी, उसके बाद ये लगाते हैं हम उसकी उसके अटेंडेंस भी और डेली बेस पे उसको भेजते भी हैं अपने प्रिंसिपल के पास कि नहीं। तो इसमें ये देखा गया है कि इम्प्रूवमेंट अटेंडेंस में, रेगुलरिटी में, पंक्चुअलिटी में बहुत ज़्यादा है। नहीं, जैसे हमारे इस हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज हैं। जहाँ थोड़े एम्प्लॉइज हैं उनके लिए आसान होता है, हमारे इतने एम्प्लॉइज हैं लेकिन हमने फिर भी इन टाइम इसको रजिस्टर किया है। तो सभी ऑलमोस्ट हमारे सभी चल रहे हैं और रेगुलर तरीके से चल रही है और डेली बेस पे इसको हम अटेंडेंस भेज रहे हैं। हाँ, कुछ डॉक्टर्स के इशू हैं कि उनको रात को भी आना पड़ता है, कई बार दिन को भी आना पड़ता है, लेकिन वही बहरहाल वो भी सॉर्ट आउट किया जाएगा क्योंकि ड्यूटी ही ऐसी है। बाकी हमारा सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। 8:15 तक एम्प्लॉइज आना चाहिए, उसके बाद तो लेट मार दो। किसी तरह कोई फेलियर इन बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन? अभी तक तो हमारा ठीक चल रहा है। हाँ, कुछ 2-4 एम्प्लॉइज हैं जिनका वो कोई पता नहीं, कोई उंगल में फिंगरप्रिंट्स में प्रॉब्लम है, कुछ है, देखेंगे करेंगे बात, अदरवाइज हमारा ठीक चल रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। सर, शर्मिला चाड़क है, मैं इंचार्ज हूँ वार्ड नंबर 2 की SMGS हॉस्पिटल। हाँ जी, बहुत अच्छा हुआ है सर, बहुत अच्छा हुआ है। हमारे में जो कमियां थी वो हमारे में ठीक हो रही हैं। मैं तो बहुत ही थैंक्स करती हूँ गवर्नमेंट का कि ये हुई है, तो हम भी तो जो थोड़ी कमी होती है हर इंसान में, तो वो बड़ी कमी हमारी में हो गई। हम अलर्ट रहते हैं, अब जल्दी जल्दी तैयार होते हैं कि 5-10 मिनट लेट नहीं। फिर भी गवर्नमेंट ने हमारे साथ बड़ा ही कंप्रोमाइज़ किया, मैं बहुत ही थैंक्स करती हूँ उनका कि 15 मिनट उन्होंने हमें दे दिया। ऐसे हमें 5 मिनट में मिलता तो आप 15 मिनट मिल रहा। नीलम जम्बाल, नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ी हुई थी लेकिन अब नहीं। क्या लगता है जिस तरह से भी कर दिया गया है, जल्दी कर दिया गया है, अकोमोडेशन से कितना फायदा रहेगा अटेंडेंस में और काम में? काम में भी फायदा और अटेंडेंस में भी फायदा है, क्योंकि हमारे मुलाजम टाइम पे आ रहे हैं और टाइम पे जा रहे हैं।